Alright, let's increase suction. For retraction. Please. Now. Captain? We don't have the resources to stop them. We can take out Kanoa Bridge and cut them off. Will they make it? Took a round off the beach ray cover, was 48. I got one Sierra down. I need a cat's back immediately. Yeah, China hua Tom Cruise se khafa. क्या चाइना को अब नहीं पसंद हॉलीवुड सिनेमा? दोस्तों कुछ साल पहले तक चाइना सिनेमा इंडस्ट्री का सबसे बड़ा हब हुआ करता था। कोई भी फिल्म चाइना से अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जेनरेट करती थी और चाइनीज लोग भी बाकी लैंग्वेज की मूवीज देखना खूब पसंद किया करते थे। लेकिन लेटली ऐसा लगने लगा है जैसे चाइना खुद को सिनेमा इंडस्ट्री से दूर करता जा रहा है, पहले डॉक्टर स्ट्रेंज और अब तो टॉप गन भी। तो आइए आज की इस वीडियो में देखें कि आखिर अब टॉप गन में ऐसा क्या है कि चाइना टॉम क्रूज से खफा होने वाला है। हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे टॉम क्रूज की रिसेंटली रिलीज मूवी टॉप गन मैवरिक के बारे में। दरअसल दोस्तों टॉप गन मैवरिक में टॉम क्रूज का एक सीन है जो कि काफी पॉपुलर है। टॉम का ये सीन मूवी के रिलीज होने से पहले भी हर जगह पोस्टर्स में नजर आ ही रहा था। अब इस सीन में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ टॉम क्रूज ने एक बॉम्बर जैकेट पहन रखी है जिस पर ताइवान का फ्लैग बना हुआ है। ये फ्लैग चाइना के बीजिंग में अथॉरिटीज द्वारा एक इंडिपेंडेंस सिंबल समझा जाता है। ये वही अथॉरिटीज हैं जो ताइवानीज आइलैंड को अपनी टेरिटरी का पार्ट मानते हैं, जबकि ताइवान के प्रेसिडेंट का कहना है कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट नेशन है जिसे जरूरत है तो सिर्फ इंटरनेशनली एक बड़े रिकॉग्निशन की। 2019 में रिलीज हुए टॉप गन के एक ट्रेलर में ये फ्लैग या तो मिसिंग था या फिर अच्छे से दिख नहीं रहा था, जिसकी वजह से कुछ लोग ऐसा सोच रहे थे कि मूवी के मेकर्स ने चाइना सेंसर्स की डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए ये कर लिया है। पर अब जब फिल्म थिएटर्स में फुल्ली रिलीज हुई है तब ये नोटिस किया गया कि मेकर्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ये फ्लैग्स अब फिल्म में पूरी तरह से वापस आ चुके हैं और इसी तरह से जापानीज फ्लैग्स का भी मूवी में कमबैक हुआ है। बता दें कि जब ताइवान में ये मूवी स्क्रीन हुई तो अपना फ्लैग देखकर वहां के लोग खूब खुश हुए और बहुत अपलॉड भी किया। अब ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद ये फिल्म चाइना में रिलीज नहीं होगी। वेल दोस्तों, अब गौर फरमाने वाली बात ये है कि 2 साल पहले तक जब सभी मूवीज का बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर चाइना ही था, वो अब सिनेमा इंडस्ट्री से आउट होता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या चाइना की ये ऑब्जेक्शंस वैलिड है या फिर हर छोटी बात को वो सिर्फ बड़ा बना रहा है। वैसे दोस्तों अभी मूवी रिलीज भी नहीं हुई है और मेकर्स पहले से इस फ्लैग को लेकर चिंतित हो रहे हैं, यानी कि चाइनीज गवर्नमेंट का खौफ तो डेफिनेटली वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल ये भी अराइज हो जाता है कि अगर चाइना मूवीज का बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटर नहीं रहेगा तो फिर कौन सा देश लेगा हॉलीवुड मूवीज के बिगेस्ट इनकम जनरेटर की जगह। दोस्तों ऐसे ही कई सवाल आपके मन में भी डेफिनेटली उठ रहे होंगे जिन्हें हम अपनी अगली वीडियो में जरूर एड्रेस करेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ और हॉलीवुड से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।